गाइस काशी विश्वनाथ का आज यह तीसरा दिन है और आज मैं पानी ढालने के लिए जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ धाम श्रावण महीने में। गाइस क्या से क्या हो गया कुछ पता ही नहीं चला। आज मैंने ऑलरेडी एक आश्रम में रुका हूँ जो गुरुजी के आश्रम है और विष्णुदा जो कि लेके आए हैं इस आश्रम पे, तो इस आश्रम का भी आपको टूर दिखाएंगे। शाम को काफी सारे आरती वगैरह होंगे और अभी हम जाने वाला हूँ बाबा के माथा में जल डालने के लिए। अभी तो मैंने पोशाक वगैरह कुछ नहीं लिया हूँ, अभी बाजार जाएंगे पोशाक वगैरह खरीदेंगे। और जिस रूम पे मैंने अभी रुका हूँ वो रूम का कुछ इस टाइप का है दृश्य, आप देख सकते हो। ये दरअसल कोई भी रूम नहीं है, ये आश्रम है, ठीक है। इस आश्रम में जो कि हम लोग रुके हुए हैं, विष्णुदा ऑलरेडी इस आश्रम में लगभग 10-12 दिन पिछले बार जब आए थे रुके हुए थे। बाकी यहाँ पर गुरुजी भी आए थे, हम लोगों के साथ बातचीत बहुत सारे हो गया। और बाकी हम अभी जाने वाला है, टाइम तो काफ़ी हो चुका है क्योंकि जल डाले अभी इतना बड़ा लाइन है कि वहाँ पर भी लगभग 4-5 घंटा लग जाएगा, इतना भीड़ भाड़ जगह है। तो चलिए, यहाँ पर विष्णुदा है, मैं हूँ और एक जन है विष्णुदा का फ्रेंड, तो वो है वहाँ पर। चलो भाई फाइनली पूजा के लिए हम निकल चुके हैं, आ जाओ। और भाई अभी देख सकते हो कैसा है, कुछ भी अभी पहना नहीं है, अभी जाके अच्छा सा जामा वगैरह खरीदेंगे फिर निकलेंगे और एरा साथ में गंगा जल। और हम लोग इधर फूल लेने के लिए आ चुके हैं, अभी चूज करते हैं कौन सा वाला फूल लेना है। जगह जगह में मूर्ति है बाबा जी का और यहाँ से पूजा होता रहता है हर हर महादेव। और इधर से देख सकते हो गंगा जी का दर्शन कर लो आप भाई साहब, एकदम नेक्स्ट लेवल का गंगा जा रही है, जैसे देख लो एकदम नेक्स्ट लेवल का गंगा भाई। इसका बार देख लो, ये गंगा इतना दूर फैला हुआ है, ये सीढ़ी है जस्ट नीचे तक जाने का, बाकी उधर भी हम लोग जा सकते थे, गंगा एकदम पूरी तरह से डूब चुका है। चलो हर हर गंगे, जय श्री गंगा। और कहा जाता है यहाँ का पानी जो कि घर लेके नहीं जा सकते हो आप, इस गंगे का पानी बताया क्या बोलेंगे। आप पूजा रही पूजा करते हैं, आज उड़िए गंगा मैया बाबा विश्वनाथ जी का ध्यान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्वजा मंगलम। बोलिए गंगा मैया, गंगा मैया आपके धाम में, आपके काशी क्षेत्र में दशाश्वमेध तीर्थ गंगा तट पे साकुटुम परिवार के रक्षा फल के मनोकामना पूरण निमित्त संतुष्ट मन से जल धारा के पूजन किए बाबा विश्वनाथ के भेंट पूजा जल पूजा मनोकामना पूरण निमित्त इलाहाबाद जल धारा के पूजन किए बाबा विश्वनाथ के भेंट पूजा जल पूजा मनोकामना पूरण निमित्त संतुष्ट मन से सावन महीना में धर्म किए बाबा विश्वनाथ मनोकामना के पूर्ण करना भूल चूक के क्षमा करना। दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो बंदा है घूम गया था, हम लोग पूरा दर्शन करके आए, पूरा घूम गया था मंदिर पूरा परिक्रमा करे फिर जाके इसको हम मंदिर में मिले, बहुत हैरेसमेंट हुआ हम लोगों के साथ। अभी क्या हुआ, विष्णु भैया गुम हो गया चुका है, फोन इधर रखा हुआ था, फोन से हमने कलेक्ट किया फिर अभी ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि बहुत सारा परिक्रमा पूरा दिन भर किया क्योंकि फोन लगेज वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है और जितना भी हम लोग का लगेज थे ऑलरेडी रूम पे रखा हुआ है, बाकी फ़ोन इधर सिर्फ लेके आए थे ब्लॉग बनाने के लिए, बट ब्लॉग तो कुछ नहीं कर पाए, अभी फ़ोन यहाँ से ले लिए। बाकी हम सोचे चलो थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेते हैं क्योंकि डर लग रहा था कि ब्लॉग बनाएंगे फ़ोन निकालेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे, जिस वजह से चलो कुछ नहीं हुआ। चलो अभी रूम के लिए निकलते हैं, विष्णु भैया अभी खो चुका है, थोड़ा टाइम यहाँ पर 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं, यदि वो शायद आ जाए। बाकी सारे जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु देख सकते हो आ गए हैं और यहाँ से आगे चल के मंदिर आपको मिलेंगे, मंदिर में जाके वो लोग यानी पानी ढालेंगे। तो मेरा तो जितना भी पॉसिबल हो पाया बाबा की दर्शन कर लिया है, चलो अभी निकलते हैं, कुछ यहाँ पर मंदिर वगैरह कुछ है और बाकी यहाँ पर लॉकर रूम है, जैसे अंदर में हम रखे थे अपना फोन। वो पीतल का घोटी चाहिए, पीतल का, पीतल का इसमें ना कितना प्राइस है, बड़ा कि छोटा? हाँ इतनी बड़ा क्या, बड़ा ये देख लो बहुत सारा पीतल का ऑलरेडी है, कितना बड़ा भैया। वो रुद्राक्ष का माला कितने का है, वो वाला? हाँ दीजिए, एक दीजिए ना, लेके आओ पूरा बंडल लेके आओ, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो 5 मुखी रुद्राक्ष
है फिक्स रेट है क्या भैया? 100 में नहीं होता, 100 में फिर कितना देते हो? एक दाने का इसका मालूम कीमत 20 रुपये? नहीं नहीं वो तो मुझे मालूम है, कम 120 ले लो भाई, दे दो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई, विष्णुदा को फाइनली मिल चुका है, देख सकते हो वेदांता सोसाइटी, वेदांता स्वाइट सोसाइटी करते करते फाइनली चलो आ जाओ भाई। अभी किस तरफ जाना है? चलो भाई और अभी देख सकते हो इंटरनेशनल वेदांता सोसाइटी, यहाँ पर ही हम लोग रुके हुए हैं ऊपर के आश्रम में, ये वाला। चलो भाई, थैंक यू। आपका क्या नाम है? आकाश नाम है। आकाश नाम है, चलो आकाश जी, थैंक यू। थैंक यू मीटिंग है सर, ठीक है बेस्ट हो। तो चलो फाइनली घूमते घूमते हम लोग खो गए थे, पता है कहाँ खो गए थे? इधर ही कुछ गली गली में खो गए थे, पूछ पूछ के फिर भी चला गया। तो गाइस यहाँ पर हम मुझे आना था वो तो आप जगह पहुँच चुके हैं, आपको बॉर्डर तो सामने नहीं दिखा पाए बट जाने टाइम में आपको जरूर दिखाएंगे, सब लोग आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, ये जो देख रहे हो ना हाँ, इसको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है ऑलरेडी, साइड में देख लो। और ये देख सकते हो ऊपर, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है ये रहा बैनर। चलो अंदर विजिट करते हैं। देयर आर हाफ फेड इन अनदर साइड, पीपल आर टेकिंग लॉट्स ऑफ फूड, दैट्स व्हाई दे आर डेवलपिंग आर्मी डायबिटीज, दे आर डेवलपिंग कैंसर, दे आर डेवलपिंग हार्ट डिजीज। सो as per principle of Baba, if we follow him, we should serve the suffering people, that should be our motto. Serve the suffering people. তারা কেউ দেখতে পাবে না, মাঝখানে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তারাও বসে গেলে ভালো হয়, তাহলে দূর থেকে লোকেরা দেখতে পাবে। मेरे नाम के पीछे भट्टाचार्य, चटर्जी, चक्रवर्ती ऐसा कुछ भी लगा हुआ है, लोग अनायास कहते हैं आप गाते होंगे, आप बजाते होंगे, आप भाषण। और गुरु जी ने बांटे में जो भी एक आया था अभी से सबको जो कि दिया जा रहा है, यहाँ से एक सबको एक एक करके वन बाय वन इसको मिल रहा है, जैसे देख सकते हो ये रहा, यहाँ पर इनका बंटवारा हो रहा है, बाकी सब लोग यहाँ पर, बाकी उधर भी प्रसाद ही आ रहा है। चलो और विष्णु दा अकेला सब कुछ खा गया, सब कुछ अकेला केक भी खा गया, खाओगे केक को दिया जा रहा है, मुझे भी लेना है पद्मश्री अवार्ड का जो हम लोग का स्वामी जी। चलो एक बार ऊपर वाला पार्ट हम भी लेते हैं, आ जाओ देखते हैं इन लोगों का खून मस्ती हो रहा है केक में, चलो कूद पड़ो केक में। चलो भाई ये क्या चीज है विष्णु भैया? चनाचूर के साथ चटनी, फोटो लो। आते पूरा अंधेरा छा गया है, अभी जस्ट आपको एक पूरा लाइट का दर्शन व्यू दिखाते हैं, ये देख लो पूरा पूरा रूम का एकदम भाई नज़ारा एकदम नेक्स्ट लेवल का है। बाकी चलो आगे चल के एक मंदिर है, मंदिर का वो आगे तरफ है, चलो मंदिर का भी आपको थोड़ा बहुत दर्शन करवाते हैं। सो देखो काफ़ी बड़ा प्रतिमा है इधर आया हुआ है, और एक नया मंदिर से जस्ट आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा मंदिर है। ओ भाई साहब उधर देख लो, चलो 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 हर हर महादेव, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। कितना टोटल है एक बार काउंट कर लेना, ओ माय गॉड, उस साइड से देख लो, इस साइड से जितना है उस साइड उतना उससे भी ज़्यादा हो सकता है शायद, देख लो इतना ज़्यादा। ए भाई काम दिया है, ये तो किसी का मन्नत ही होगा कि इतना शिव है इसमें, देख लो। और ये रहा परशुराम, जय हो परशुराम हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमो नमः, जय हो बाबा। देख लो भोलेनाथ की इतनी सारी प्रतिमाएं,
जय हो बाबा भोलेनाथ। तो गाइस मैंने यहाँ पर आए हुए हैं 166, मैंने यहाँ पर सीट जो लिंक है मैंने टोटल गिना है यहाँ पर 166। भाई आपको साइड में आपको दिखाना चाहूँगा, इतना खूबसूरत नज़ारा शायद ही किसी जगह में हो सकता है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जस्ट साइड में आप व्यू देख लो, बहुत सारे मूर्तियाँ इधर, बहुत सारे मूर्तियाँ, सबसे सारे के सारे मूर्तियाँ में पूजा होती है, सारे के सारे सर। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और अभी जो कि बंद होने वाला है, क्योंकि अभी बंद कर रहा है जितना भी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है। अभी लगभग रात के भाई 8:27 हो चुका है, काफ़ी रात हो चुका है। एंड मे भी बंद होने वाले, ऊपर का देख सकते हो पूरा पूरा ओम का कारीगरी किया गया है। तो भाई चलिए, बहुत दर्शन हो चुका है हम लोगों का, बहुत देर, लगभग एक आधा घंटा हो चुका है यहाँ पर दर्शन। बहुत बढ़िया, क्यों रात का व्यू भी बहुत बढ़िया है यहाँ पर। जय हो बाबा भोलेनाथ की, जय हो बाबा। सर की दर्शन कर लिया सर का। तो फाइनली बाबा जी के आश्रम से भोग मिल चुका है, ये रहा हम लोग का थाली में भोग है ऑलरेडी। और चलो चाल में भाई, चलो भाई दिखा दो नजारे। अभी हम लोग का एक छोटा सा दुकान में आके, ये क्या है, दही है, चलो मीठा है ना, मीठा दही है, चलो इसमें अभी पार्टी चल रहा है हम लोग। तो गाइस हमने सोचा कि काशी विश्वनाथ से जितने भी भक्तजन आए हुए हैं उन लोगों के लिए कुछ कर पाए, यानी कि जितना भी दान कर सकते हैं वो चीज करने के लिए हम लोग सोचे थे। चलो वो भी पूरा होने वाला है अभी के टाइम, तो चलो विष्णुदा का साथ मिला है, साथ ही साथ गुरु जी का साथ मिल गया है, तो हम लोग सब मिल के जितना भी हो जाए सब लोग मतलब दान कल की डेट पे यानी करने वाले हैं। अभी देखते हैं भैया के साथ, इसीलिए दुकान पे आए हैं, जितना भी कुछ कर सकते हैं दान के लिए तो वो आज करने वाले हैं, आज करेंगे, कल शायद सुबह बनाना लेने के लिए जाने वाले हैं। बाकी क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको कल देखने के लिए मिलेंगे, अभी तो सब मतलब कुछ सरप्राइज टाइप का यहाँ पर करके रखे हैं। अभी जितना भी सामान हमने लिया है सारे के सामान अभी यहाँ से पैकिंग हो रहा है, और देख लो यहाँ पर विष्णु भैया और एक जन है, इसका अच्छी तरह से क्लीन किया जा रहा है, कल के लिए तैयारी चल रहा है। अभी ढालो धीरे धीरे करके कर लेते हैं। और इधर बीच बीच ये भी पानी में जाएंगे, क्योंकि फूलेंगे तो इसमें और भी जाएंगे।